हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। हम एक नई ट्रिप के लिए तैयार हो चुके हैं। पुरानी ट्रिप की स्टोरी बताता हूँ मैं। देखो, शादी की वाली वीडियो तो आपने देख ली होगी, ठीक है। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई, उसके बाद यही वाली वीडियो आ रही है। तो शादी वादी का तो चलो हो गया, नहीं मट गया मामला, बढ़िया। हम पहुँचे जी फिर उसके बाद विकास नगर। विकास नगर मतलब ये ठीक लग रहा है ना, ये वीडियो में ठीक लग रहा होगा? हाँ, अच्छा लग रहा होगा। और पता नहीं यार, बर्दाश्त कर लेना। हाँ। तो फिर हम पहुँच गए विकास नगर। विकास नगर में कुछ काम धाम करके अपना कपड़े धोए, हाँ धो धा के फिर हम पहुँच गए हरिद्वार। हरिद्वार में भी एक की शादी निपटानी थी। ऐसा लग रहा हम जाट की वजह पंडित बन गए, शादियाँ निपटा रहे हैं। हरिद्वार में शादी निपटा के हम आ गए हैं यहाँ दिल्ली में, दिल्ली बसंत विहार में। तो अभी हम जा रहे हैं करोल बाग। करोल बाग में बाइक के बहुत सारे काम करवाने हैं। अगर हम काम नहीं करवाओगे तो आप लोग कहोगे कि नीरज भाई बुलेट ले ले, नीरज भाई अपनी बाइक की जो है ना सीट ठीक करवा ले, सीट जब फट गई है। तो आपको हम कहने का मौका नहीं देंगे किसी को भी। इससे पहले हम ठीक करवा लेते हैं, हम जो है ठीक करवाएंगे। तो अभी चार पांच काम कराने हैं। बाइक की सीट फटी पड़ी है, उसे ठीक कराना है, उसमें जो है पिंजरा लगवाना है। और विकास नगर में पिंजरे की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत महंगा पड़ रहा था, दिल्ली में सस्ता पड़ रहा है। विकास नगर में 4-4.5 हज़ार रुपये मांग रहा था वो KP। अच्छा, नकली आदमी। यहाँ पे 1.5-2 हज़ार में काम चल जाएगा। और इसके अलावा रस्सियाँ लेनी है सामान वामान बांधने के लिए। एक चीज़ और, पंप लेना है और कैमरे के लिए बैग लेना है। कैमरे के लिए बैग लेना, वो कैमरा था ना 70 हज़ार का, इतना बड़ा कैमरा, उसका बैग नहीं लिया। उसका बैग भी स्पेशली लेना पड़ेगा, छोटे मोटे बैग में तो आ ही नहीं रहा। उसका हमने बैग मंगाया था अमेजन से। हाँ, उसमें आ रही थी अचार की खुशबू। अचार की खुशबू आ रही थी उसमें कोई। फिर उसे रिटर्न करा। फिर हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद दोबारा ऑर्डर किया नहीं, क्या पता दोबारा अगला वही भेज दे बैग। जाओ जी सोंगो अचार। तो चलते भाई अभी करोल बाग, वहाँ चल के देखते आपको भी दिखाएंगे। करोल बाग में सीट कवर के लिए खजांची की दुकान बड़ी फेमस है। 3-4 साल पहले हमने इसी दुकान पे सीट कवर लगवाया था अपनी बाइक का, एकदम से बढ़िया कर दिया था उसने। अब फट गई तो अब वो नए सिरे से फिर करेगा, 700 रुपये कह रहा है। पिछली बार जो था जून में आए थे हम, जून होता है बाइक वालों का पीक सीजन, उस टाइम मांगे थे इसने 2100 रुपये। अब भाई हमारे पास कोई चारा था नहीं, हमने 2100 रुपये, इस बार 700 में काम हो गया। मैं कहा ठीक है भाई कर दे। इसके साथ साथ लद्दाख कैरियर भी हम लगवा देंगे। लद्दाख कैरियर वैसे इनबिल्ट आते हैं बुलेट के लिए तो ऐसे होते हैं वो कि जाओ और उसमें फिट कर दो, 2 मिनट का काम होता है। लेकिन डिस्कवर में ऐसा नहीं है, डिस्कवर में उसमें थोड़ी बहुत कटिंग वेल्डिंग करनी पड़ेगी, बंदा करेगा। ये कटेगा या ऐसे सेट हो जाओगा? ये निकाल देंगे। यहाँ पे कोई अलग से पाइप ना लगा दो क्या? इसे क्यों खराब कर रहे हो, इसे तो यहीं पे रहने दो ऊपर ही। हाँ, बैठने का स्पेस कम हो जाएगा पीछे वाले ना, कोई नहीं होगा यही बैठने का स्पेस नहीं होगा कम। मेरे को तो स्पेस कम लग रहा है, इसीलिए तो नहीं लगा रहा मैं, एक सपोर्ट यहाँ दे रहा हूँ आपको। नहीं, अच्छा एक सपोर्ट यहाँ हो जाएगी, फिर और कोई सपोर्ट थोड़ी है, एक और है ना। कहाँ पे है? एक यहाँ से यहाँ तक की है। अच्छा, यहाँ से यहाँ की है, ये यहाँ से यहाँ, ये इसको फिर ऐसा करो ना, सपोर्ट यहाँ की दे दो बस। ना यहाँ की सपोर्ट छोड़ दो, इसको ऐसे लगा के छोड़ दो, हम इसको अलग करवा लेंगे। मतलब बाहर करवा लेंगे इसको, बाहर कराओगे? ये जो सपोर्ट आपने लगाया ना, ये बिल्कुल कमजोर से है, इन पे ज्यादा लोड पड़ेगा, ये झटको बटको में ये जो है ना एकदम जाएगा। नहीं, हम इसीलिए तो सपोर्ट और दे रहे हैं यहाँ, इधर नहीं लगेगी ना वो वाली सपोर्ट। नहीं, वो वाली सपोर्ट आपकी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये सपोर्ट नहीं है, इसमें सपोर्ट ये है। हाँ, सपोर्ट तो ये है। अब सुनो, ये एक सपोर्ट अभी मुझे और देना पड़ेगा, आप सामान जब लोड करो वो सपोर्ट आपकी इसी तरफ लगेगी, इधर नहीं लगेगी। हाँ, है ना, तो मामला कमजोरी रह जाएगा। अभी इसको ऐसे फिट कर दो, क्या कराना चाहते हो उसके अलावा? अभी इसको ऐसे फिट कर दो, वो तो हमने कर चुके हैं जैसे पहले थी ना, हम तो 4-5 साल से लगातार लगा रहे हैं तो हमें तो अच्छी तरह पता है। तो एक सपोर्ट ऐसे लग जाएगी ये वाली, ये ऐसे ऊपर आ गई वेल्ड, रोड पे चाहिए आपको? हाँ, ऊपर आके वेल्ड हो जाएगा ये, तो लगा देते हैं इससे, यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और इसमें सुराख करके टाइट कर देंगे नट बोल्ट, जैसे ये टाइट किया। नट बोल्ट मत करो, इसमें वेल्डिंग लगा दो ना, इसकी वेल्डिंग सिस्टम कर दो। यहाँ से सपोर्ट देंगे वेल्डिंग, यहाँ से देंगे वेल्डिंग। पर वेल्डिंग क्यों कराना चाहते हो? वेल्डिंग से तो बेस्ट चीज ये होती है, पता क्या, आपका जब मर्जी खोल के लगा लो, जब मर्जी लगाए हटा लो, खोलना ही नहीं है, खोलना ही नहीं है। और ये एकदम ये टूट जाएगा, एक तो ये खुल जाता है, एक तो खुल के गिर जाएगा, टूट भी जाएगा। ये लगवा देता हूँ आपका, यहाँ पत्ती लगवा देता हूँ। हाँ, और इसको भी वेल्डिंग करा देते हैं, उसको भी वेल्डिंग करा देते हैं, ठीक है। चलो ये ठीक है, हाँ हाँ ये ठीक है।
हाँ ये ठीक हो गया, गर्म है अभी ना, हाँ ये ठीक, अब ठीक हो गया, इधर भी अच्छा, इसमें टाका लग गया और इसमें भी टाका लग गया, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है सही है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ से, यहाँ से इसका क्या था, नहीं ये तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ हाँ इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, इधर सीट के नीचे दब जाएगा, ध्यान तो तब जाएगा जब ही निकल जाएगा, नहीं नहीं मालूम हो जाता है, हाँ हाँ नहीं है, चलो बढ़िया हो गया बढ़िया, अच्छा ये हो गया, ये थोड़ा सा दबा के हो जाओगा, पकड़िए हो गया वहाँ से, अभी नहीं हुआ रुक, थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, हाँ हाँ दबा दे बस, भाई वाह, हाँ अब बन गया भाई बाइक का हेलीकॉप्टर, करोल बाग में जी बाइक की बहुत बड़ी मार्केट ही मार्केट है, और यहाँ पे मैक्सिमम बाइक है बुलेट, और थोड़ी बहुत कोई हमारे जैसी गरीबनी भी है, एक वो खड़ी गरीबनी है कि गरीबनी, लेकिन काम होता है पूरा तसल्ली से, अभी 3-4 साल की छुट्टी है इसकी, आराम है पहले से, पीछे बैठ के पता चलेगा ना मुझे, तो ये तो तेरी सीट है, अच्छा ये मेरी सीट है, हाँ पीछे बैठ के आराम है, कुदक कुदक के देख, लो जी बाइक का बना दिया हेलीकॉप्टर, ऐसा ना मिस्त्री के साथ साथ लगना पड़ता है, अरे तो मिस्त्री ऐसे उलझुल से काम करेगा और फिर पैसे ले लेगा और फिर कह देगा जी भागो यहाँ से। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ चलो इसी बात पे, मनाली की बात है भाई, मनाली में आपको पता है हमारी बाइक की चैन बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी, ढीली हो गई वो टाइट करने की, मतलब इतनी ढीली हो गई कि वो और ज़्यादा टाइट नहीं हो सकती थी, इस किस्से को मैं वैसे बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐसा जो मैंने अभी तक बताया नहीं है किसी को। तो हमारा आदित्य भाई, उसको बाइक चाहिए थी लद्दाख वद्दाख ले जाने के लिए, जांच कर ले जाने के लिए, मैं कहा भाई तू या तो चैन रिप्लेस करवा ले पूरा चैन सेट, या फिर इसके एक लिंक निकलवा दे तो चैन टाइट हो जाओगी। तो मनाली में चैन सेट रिप्लेस हुआ नहीं, मिस्त्री के पास ले गया, मिस्त्री से कहा आदित्य ने कि इसकी लिंक निकाल दे, मिस्त्री की इच्छा नहीं थी, उसने आदित्य को गोली दे दी कि यार इसकी मैं लिंक तो निकाल दूंगा लेकिन मेरे पास इसका वो नहीं है, लॉक नहीं है। अब आदित्य को आता ना पता कुछ, वो ऐसे ही लेकर चला आया। चलो फिर उसके कुछ दिन बाद मैं गया जी इसी बाइक को लेकर सेम मिस्त्री के पास, मिस्त्री ने मुझे भी सेम गोली दी कि जी इसका जो है मेरे पास लॉक नहीं है, मगर भाई लॉक की तुझे ज़रूरत क्या है, लॉक तो इसमें लगा हुआ पहले से ही, वो लॉक खोल, चैन में छैनी हथौड़ा मार, चैन की लिंक टूट जाओगी, जोड़ दे। कहने लगा जी उसमें ना ऐसे ऐसे कर ऐसे जोड़ने से वो उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वो ख़राब भी हो जाती है, मगर मेरी जिम्मेदारी तू जोड़ जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर, कह जी ठीक है। जोड़ता भाई मिस्त्री ने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, मिस्त्री नाराज़ हो गया, लो जी मैं नहीं करता तुम्हारा काम, मगर तेरी ऐसी की तैसी, तू कब कर रहा था भाई, तुझे तो एक छेनी हथौड़ा मारना था, तू कब कर रहा था, मैं करवा रहा था तेरे से, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो भाई ये पिंजरा हमने लगवा दिया, अब ये कई साल चलेगा मस्त, और इससे हम पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा आप करने वाले हैं, और अब आपको भी फटी हुई सीट कहने का भी मौका नहीं मिलेगा। और यार बुलेट बुलेट कोई मत कहना, क्योंकि घूमने के लिए बुलेट ज़रूरी नहीं होती, बुलेट अच्छी बाइक है, पावरफुल बाइक है, बढ़िया ब्रांडेड और सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुलेट नहीं है तो घूम नहीं सकते, या फिर बुलेट से ही घूम, ऐसा नहीं है भाई, हम अपने डिस्कवर से घूमते हैं, डिस्कवर हमारी बुलेट से कम थोड़ी है, इसमें कार से भी ज़्यादा आराम है। अभी हम 200 किलोमीटर बैठ के चले जाए, 400 बैठ के चले जाए, ना मुझे फ़र्क पड़ेगा ना दीप्ति को फ़र्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा आराम है इसमें, जबकि हम ही किसी अगर कार में बस में बैठ के जाने लगे तो भाई हमारी कमर का बैंड बज जाता है। तो चलो भाई इसके साथ करते हैं आज की इस वीडियो को ख़त्म, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, बकवास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है जी, इसी बात पे राम राम।